हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग प्लानिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बजे हैं 8 और अभी झाड़ू वगैरह लगा के हम बैठे थे, तो फिर मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। 4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला था, तो बस आ गया था दूध वाला, तो वैसे ही दूध लेके आई हूँ बाहर से अभी मैं। और दूध को छान के मैंने पकाने के लिए रख दिया है, और एक तरफ चाय वाय सब लोगों ने पी ली थी और नहा चुके थे। नहा के ही चाय पी, फिर इसके बाद बैठ के मैंने कहा लाओ खाना बना लेती हूँ। तो बस दूध एक साइड रख दिया था गैस पे, और दूध रखने के बाद एक तरफ मैंने कद्दू काट लिया था, कद्दू की बना रही हूँ सब्जी। तो बस इसको कढ़ाई में छौंक दिया है। कद्दू धीमी आँच कर दूँगी, बाद में मसाला वगैरह मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि सूखा बनाते हैं तो जल जाते हैं मसाले, तो इसलिए मैंने बस कद्दू को मेथी और हींग डाल के हरी मिर्च काट के छौंक दिया। बस धीमे कर नमक डाल दिया, इसके बाद गैस स्लो कर दी है और धीमे धीमे वो पकता रहेगा। तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, दूध को देख लेती हूँ, दूध भी पक जाएगा। तो बस वैसे ही बंद करके धीमे कर देंगे गैस दोनों तरफ से। तो बस अपना धीमे धीमे कद्दू और दूध दोनों खोलते रहेंगे, जैसे ही पक जाएगी सब्ज़ी तो उतार के रख दूँगी और आटा गूँधूँगी। इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारा घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये मेरा घर बन करके रेडी हो गया है। अभी काम तो ऊपर चल रहा है थर्ड फ्लोर में, लेकिन ये दो फ्लोर रेडी हो गए हैं। तो हम लोग बीच वाले फ्लोर में रहते हैं और नीचे रहे, ये नीचे वाला जीना है। तो ये है लॉन, और लॉन के बाद जस्ट बगल में ही आगे से दरवाज़ा थी, ये गेस्ट रूम है। ये बाहरी से है, जैसे जीना चढ़ेंगे उसी के जस्ट सामने से दरवाज़ा लगा हुआ है इसका, और एक बाहर से भी दरवाज़ा है, अंदर से भी है। इसमें लगे हुए हैं दो डोर। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, और इसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर, क्योंकि ये बाहर से ही बना है। जैसे जीना से आएंगे वैसे ही गेस्ट रूम बना है। इसका एक दरवाज़ा बाहर से और एक अंदर से है, और ये है मेन गेट जो अंदर से घुसते हैं। तो ये आ गए हम अपने लॉन, ये हमारा हॉल है, बीच पे बहुत बड़ा सा काफ़ी बड़ा हॉल है ये देखिए। तो यहीं हॉल में हम लोग बैठे रहते हैं, खाना वाना खाते हैं सब लोग बैठ के। तो बस यहीं पे रखा हुआ था मैंने फ्रिज, और ये है हमारा बेडरूम। लाइट चली गई थी, ये देखिए, ये है बेडरूम, और ये दूसरा बेडरूम है। दो पीछे बड़े बड़े रूम हैं जिसको हम बेडरूम बनाए हैं, और ये है हमारी किचन। किचन भी काफ़ी बड़ी है और अच्छी है, काफ़ी बड़ी बड़ी पट्टी है इसमें भी, तो सामान एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती, छोटी जगह में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये किचन काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी तो खाना सुबह उठे ही हैं, झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, और इसके बाद बस खाना बनाया। सामान ऐसे फैला पड़ा, अभी सेट नहीं किया है। ये एक साइड बना हुआ है आंगन, ये है आंगन, क्योंकि ऊपर गर्मी की वजह से वो धूल उड़ उड़ती है, तो इस वजह से ऊपर मैंने पन्नी उड़ा दी है, इसलिए यह है आंगन। ये है वॉशरूम, और ये एक मेन गेट यहाँ सामने से है इस साइड से, क्योंकि कॉर्नर का मकान है ना, तो इसमें दो दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए। तो ये मेन वाला है, फ्रंट वाला, और इसके सामने जो साइड में गली है उस रास्ते पर भी एक दरवाज़ा है। तो ये है साइड वाला, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है साइड वाला, इस साइड से भी है दरवाज़ा और उस साइड से भी, दोनों साइड से है। तो उस नहा के मैं कपड़े फैला दिए थे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, एक घंटे में देख सकते हैं आप कपड़े जो सूख गए हैं, सारे प्लांट वगैरह सूखे जा रहे हैं। बहुत पानी डालते हैं फिर भी छाया में रखें, एक साइड में एक दो घंटे धूप रहती, इसके बाद छाया आ जाती बालकनी साइड से। तो मैंने इसी साइड सारे पेड़ वगैरह रख दिए थे, मैंने कहा यहाँ पर सूखेंगे नहीं, लेकिन इतनी तेज़ धूप होती है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है, तो एकदम मुरझा से गए। शाम को डेली डाल देती हूँ पानी, और यहीं पे बैठे हैं बस, अब खाना बन रहा है हमारा। ये सुबह चाय बनी थी तो उसी के बर्तन रखे थे, मैंने सोचा लाओ इनको उठा के वास सिंक में रख देती हूँ, बाद में धुलूँगी। और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ, सब्जी पक गई है, चावल बनाए थे, रायता बनाया था, तो सब्जी चावल रायता सब्जी, और अब तो मैं बना लेती रोटियां, दूध भी पक गए हैं, तो बस इसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है 8 बजे। गर्मी के दिन है तो 5 ही बजे से दिन निकल आता है, तो जल्दी उठ जाते हैं सब लोग। इसके बाद झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, बस
नाश्ता बना लेते हैं। तो बस मैं बना लेती हूँ खाना। रेडी हो गया है और सभी लोगों को दे दिया है मैंने खाना, तो सब लोग खा रहे हैं। तब तक मैंने सोचा लो, क्योंकि सब जगह तो साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन किचन में जब खाना वाना बनाते हैं फिर डालते हैं तो वो फिर गंदा हो जाता है। तो मैं वही सोची कि लाओ इसको किचन को दोबारा से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बस एक बार सा खाना खाने बनाने के बाद साफ़ कर देंगे तो बस सारा दिन फिर साफ़ ही पड़ा रहेगा। जब फिर शाम को खाना बनाएंगे तभी गंदा होगा, तो वही अच्छे से पोंछ देती हूँ डेली, क्योंकि गंदा हो जाता है नीचे बहुत ज़्यादा। और अगर पैर पैर भी दिखने लगते हैं, अगर उसमें कुछ भी पड़ा होता है तो फर्श में तुरंत ही दिखने लगता है गंदा गंदा। तो वही मैं साफ़ कर देती हूँ, सारा सामान अच्छे से फिर सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ हो जाते सब्ज़ी बनाओ तो आटा दाल के कुछ भी निकालो वहाँ से तो सब यहाँ वहाँ डिब्बे हो जाते हैं। तो फिर मैं एक सेट से पूरा लगा दे रही हूँ और इसका पोंछा भी लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड सब बैठे हुए हैं, बस खाना वाना खा के सब लोग बैठे हुए। तो मैंने बात की मन का, ये देखिए बच्चे खेल रहे थे, ऊपर काम लगा हुआ है अभी भी, तो बस वो काम कर रहे थे मिस्त्री। तो ये बच्चे वहीं पर खेल रहे थे, तो उन्हीं का ये कुछ औजार है लिए हैं, तो उसी को दिखा रहे थे बार बार, ये देखो क्या है ये देखो, तो उसी से खेल रहे थे। तो हम भी वहीं बैठे थे, हम अपना काम देखते जा रहे थे और बच्चे वहीं खेलते जा रहे थे, वो भी देख देख के खुश होते हैं। ये काम चल रहा है थर्ड फ्लोर का, ऊपर वाला भी ये काम है चल रहा है, ये बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसमें भी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था तो वही कराए हैं इस तरह। तो फ्रेंड्स अब हो गई है रात और हम
वॉशरूम में लेटने की तैयारी चल रही है। तो अब करती हूँ ब्लॉग का एंड और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। जी देखिए तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं, खाना वाना खा लिया सब लोगों ने, अब जा रहे हैं लेटने, कर दी है लाइट बंद, तो गुड नाइट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग से मिलते हैं, गुड नाइट।